फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग हम सब करते हैं यूज़र रिव्यूज़ देखकर। यूज़र रिव्यूज से हमको पता लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया है और उनका क्या उस प्रोडक्ट के बारे में फ़ीडबैक है। इससे हमको मदद मिलती है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में। इससे हमको पता लगता है कि प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो यूज़र रिव्यूज़ फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट्स पर हम देखते हैं, ये कितने सही होते हैं और अगर ये गलत होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये गलत हैं, जिससे कि हम कोई गलत परचेजिंग डिसीजन ना लें, एक ऐसा प्रोडक्ट ना लें जो देखने में अच्छा है लेकिन जब इस्तेमाल करें तो बेकार है। यूज़र रिव्यूज़ के बारे में आज बात करेंगे, देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। तो आप ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह पे कभी मोबाइल ख़रीदते हो या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़रीदते हो तो स्पेशली इन सब चीज़ों में हम यूज़र रिव्यूज़ ज़रूर देखते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपर आजकल ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले उसका यूज़र रिव्यूज़ देखते हैं। यूज़र रिव्यूज़, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक प्रोडक्ट का यूज़र और उसने उसको यूज़ करने के बाद रिव्यू दिया, फीडबैक दिया कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में कैसा है। मान लो एक मोबाइल मैंने ख़रीदा फ्लिपकार्ट पे, मेरे पास आया, मैंने उसको कुछ दिन यूज़ किया और उसके बाद अपना फीडबैक फ्लिपकार्ट पे शेयर किया, उसको बोलते हैं यूज़र रिव्यू। इससे क्या होगा कि जो भी वेबसाइट पे आएंगे, फ्लिपकार्ट पे आएंगे, उस मोबाइल को ख़रीदेंगे तो वो मेरा रिव्यू देख पाएंगे, स्क्रॉल कर करके जितने भी लोगों ने फीडबैक छोड़ा उस रिव्यू उन रिव्यूज़ को पढ़ पाएंगे और उससे उनको पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कैसा है। तो होता है ना, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट किसी ने ख़रीदा हो तो आप सलाह मशवरा करते हो, कोई गाड़ी ख़रीदने से पहले, मोटरसाइकिल ख़रीदने से पहले, जिसने आपके दोस्त ने, रिश्तेदार ने उसको पहले से इस्तेमाल कर रखा है तो आप उससे सलाह मशवरा करते हो कि भाई कैसा है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उसी हिसाब से लोग यूज़र रिव्यूज़ को देखते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे और उसके हिसाब से फिर अपने परचेज़ डिसीजन लेते हैं। बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर होते हैं यूज़र रिव्यूज़। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हैं तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा पिकअप हो जाती है। अगर किसी के प्रोडक्ट रिव्यूज़ अच्छे नहीं हैं तो उसकी सेल अच्छी नहीं होती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा भी लगता है लेकिन अगर आप वेबसाइट पे उसके यूज़र रिव्यूज़ देखते हो कि अच्छे नहीं हैं तो आप वो नहीं ख़रीदते, फिर आप उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ख़रीदते हो। तो कहने का मतलब ये है कि यूज़र रिव्यूज़ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक प्रोडक्ट की सेल में। और इस बात को जो मार्केट प्लेस है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये मार्केट प्लेसेस तो जानते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़र रिव्यूज़ की फ़िक्र होती है प्रोडक्ट बनाने वाले को, प्रोडक्ट एक्चुअली बेचने वाले को। ये बात आप जानते होंगे कि फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सब तो मार्केट प्लेसेस हैं, ये अपना कोई ख़ुद का प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के, दूसरे सेलर्स के प्रोडक्ट्स अपने मार्केट प्लेस पर बेचते हैं। तो जो एक सेलर है, जो कि एक एक्चुअल सेलर है, जैसे कि मान लो ओप्पो का फ़ोन फ्लिपकार्ट बिक रहा है तो ओप्पो ये ज़रूर चाहेगा कि उसके मोबाइल के जितने भी यूज़र रिव्यूज़ लोग वेबसाइट पर छोड़ रहे हैं अच्छे रिव्यूज़ छोड़ें, बुरे रिव्यूज़ ना छोड़ें। लेकिन जो मार्केट प्लेस होती है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये न्यूट्रल होते हैं, ये यूज़र रिव्यूज़ न्यूट्रल होते हैं, इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि इनके लिए भी अच्छा है कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अनबायस्ड यूज़र रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पर रहें, इनकी वेबसाइट पर रहें, जिससे कि जो यूज़र है अपना एक राइट परचेजिंग डिसीजन ले पाए। लेकिन ये ईमानदारी की उम्मीद आप एक्चुअल सेलर से नहीं कर सकते। सेलर्स कई बार ये कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से डिसीव कर पाएँ यूज़र्स को परचेज डिसीजन लेने से पहले। वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बायस्ड अच्छे रिव्यूज़ आएँ, उनके प्रोडक्ट की कोई बुराई ना करे, कोई बुरा फीडबैक ना दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट ख़रीदो, ऑनलाइन शॉपिंग करो, यूज़र रिव्यूज़ को स्क्रॉल कर करके पढ़ रहे हो, ये ज़रूरी है कि आपको ये समझ हो कि कौन सा यूज़र रिव्यू ओरिजिनल लग रहा है, कौन सा यूज़र रिव्यू फेक लग रहा है। अगर आप फेक यूज़र रिव्यू के छांसे में आ गए और उसको अच्छा अच्छा समझ के आपने प्रोडक्ट को अच्छा समझ लिया, ख़रीद लिया और वो एंड में अच्छा ना निकला तो आपके पैसे का नुकसान होगा। तो ये समझ होनी चाहिए कि कैसे हम स्पॉट कर सकते हैं एक ओरिजिनल यूज़र रिव्यू को, एक जेन्युइन यूज़र रिव्यू को और एक फेक यूज़र रिव्यू को। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि फेक रिव्यूज़ बनाए जा सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि फेक रिव्यूज़ के लिए आप किसी को टेबल पर बिठा कर रखो, हायर करो, टेबल पे बिठा के एक बंदे को रख दो कि भाई तू हमारे प्रोडक्ट के फेक रिव्यूज़ बनाता रहे, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल बॉट का ज़माना है, फेक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, उन फेक अकाउंट्स से अलग अलग
रिव्यूज़ ऑटोमेटिकली डायनेमिक यूज़र अकाउंट बना बना के छुड़वाए जा सकते हैं। डायनेमिक यूज़र अकाउंट मतलब कि एक बॉट अलग अलग नाम के यूज़र अकाउंट बना के अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग रिव्यूज़ सेम भी नहीं, अलग अलग रिव्यूज़ बार बार डाल रहा है। तो ऐसा भी होता है, माना कि मार्केट प्लेसेस अपनी टेक्नोलॉजी अपने ऑर्डर्स का यूज़ करके अपने अपने ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग का यूज़ करके इनको फ़िल्टर आउट करते हैं, लेकिन जो लोग ये सब कारस्तारी करते हैं वो लोग भी नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं इसको बाईपास करने के। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ऑटोमेटेड तरीके से फेक रिव्यूज़ बनाए जा सकते हैं, बॉट का इस्तेमाल करके फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, और अलग अलग कीवर्ड कॉम्बिनेशन, अलग अलग कीवर्ड स्ट्रोक से, कीवर्ड यूज़ से ऐसे रिव्यूज़ भी बनाए जा सकते हैं जो आपको देखने में कुछ हद तक ओरिजिनल लगेंगे। मतलब ऐसे ऐसे यूज़र रिव्यूज़ हो सकते हैं जिसमें तीन बातें अच्छी लिखी हैं, एक बातें बुरी लिखी हैं। कि मान लो ऐसा लिखा है कि द प्रोडक्ट मोबाइल, द प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड रैम, वेरी गुड कैमरा, वेरी गुड मोबाइल, बैटरी लाइफ कुड हैव बीन अ लिटिल बेटर, ऐसे करके आपको ये देखने में लगेगा किसी बंदे ने लिखा होगा। लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये तीन बातें अच्छी लिखना और एक बातें बुरी लिखना, जिससे कि ओवरऑल मैसेज जो है पॉजिटिव चला जाए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसे रिव्यूज़ भी फेक हों। तो एक तो दो तरीके हैं, एक है कॉमन सेंस, दूसरे में भी कॉमन सेंस का यूज़ होता है, वो मैं बताऊँगा कैसे। लेकिन एक तो है कॉमन सेंस कि आप यूज़र रिव्यू को थोड़ा पढ़ो, जो डिटेल यूज़र रिव्यूज़ होते हैं उनको पढ़ो, उनसे पता लगाओ कि कौन सा आपको जेन्युइन लग रहा है। क्या कोई ऐसा है जो बस गुड प्रोडक्ट, नाइस प्रोडक्ट, 5 स्टार विदाउट रिव्यू ऐसे कर करके रिपीट कर रहा है। यूज़र नेम जो होता है लोगों का, वो देखने में किसी ह्यूमन बंदे का लग रहा है या बस ऐसे ही 1 2 3 जेकब 5 6 7 ऐसे बहुत सारे जो नेम होते हैं जो कि देखने में ओरिजिनल नहीं लगते हैं। तो थोड़ी बहुत तो हमारी आँख होनी चाहिए फेक रिव्यूज़ को पहचानने की। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हो। एक मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ जिसको आप यूज करके फेक रिव्यूज को स्पॉट कर सकते हो। नाम है उस वेबसाइट का फेक स्पॉट, काफी याद रहने वाला नाम है, तो आपको याद रहेगा, आप चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। ये एक वेबसाइट है फेक स्पॉट रिव्यू, आइए बताता हूँ जिसको यूज कैसे करते हैं। कर चुकी है कितने मिलियंस ऑफ एनालिसिस प्रोडक्ट्स के कर चुकी है उनके यूजर रिव्यूज के ऊपर। तो कुछ भी नहीं करना है, जिस प्रोडक्ट में भी आप इंटरेस्टेड हैं उस प्रोडक्ट का बस आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अमेज़ॉन की वेबसाइट पर चलते हैं और एक चलिए मोबाइल का हम रिव्यू करते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा इनके मोबाइल सेक्शन में और किसी एक मोबाइल को उठाते हैं, उसके रिव्यूज़ का हम एनालिसिस करेंगे फेक स्पॉट पे। इसको कोई पुराना मोबाइल लेते हैं जो कि कस्टमर्स का यूज़ किया हुआ होगा, इसको उठाते हैं। तो दोस्तों ये रेडमी 6 तो नहीं, ये तो अभी नया है, इसके रिव्यूज़ कम होंगे। लेकिन ये मैं रियलमी वन एक अच्छा खासा पुराना फ़ोन हो चुका है। इस फ़ोन का आप देख सकते हैं मैंने लिंक, मैंने इसको इसका एक पीडी पेज दूसरे टैब में खोल लिया है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, बस मैं जाऊँगा इस लिंक को इस फेक स्पॉट वेबसाइट पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर ये वेबसाइट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पूरा यूज़र रिव्यू टेस्ट करेगी। रियलमी वन हम सभी जानते हैं कि काफ़ी बजट फ़ोन आया था, बजट रेंज में आया था, लेकिन टॉप फीचर्स के साथ आया था, एक अच्छा फ़ोन, एक हिट फ़ोन था। अभी भी अब तो लोगों ने इसको लेना बंद कर दिया क्योंकि अब रियलमी 2 आ गया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि एनालिसिस कंप्लीट है, इसको एक ग्रेड भी दे दिया गया है, एनालिसिस में ग्रेड है बी। एनालिसिस कह रहा है कि 80% देयर आर 80% चांसेस दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ हाई क्वालिटी रिव्यूज। तो अगर 90% या उससे ऊपर होते तो शायद ये ए कैटेगरी में आता। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर है, देखते हैं कि क्या कह रहा है। आप आई पे क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या क्या इंक्लूड करता है। रिव्यूअर्स कैन इंक्लूड्स वेरीफाइड परचेजेस। तो जब आप किसी मार्केट प्लेस से प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप एक जेन्युइन बायर हैं तो आपको एक वेरीफायर का टैग मिलता है। जब आपने यूज़र रिव्यू छोड़ा है, उससे पहले परचेज किया, तो उसके बीच में एक कॉरिलेशन है या नहीं ये चेक करता है। राइटिंग स्टाइल, एक ह्यूमन का जो राइटिंग स्टाइल है वो बॉट से हमेशा अलग होगा, और अगर हम एनालिसिस करवा रहे हैं एक ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए तो मशीन के जरिए इसको आसानी से कॉमन सेंस से भी इसको देख के पता लग सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों को ये फैक्टर करता है और फिर एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताता है।
तो देख सकते हो आपको ये रिव्यू काउंट भी बता रहा है, 13,117 रिव्यू काउंट है, 13,117 लोगों ने इसका रिव्यू छोड़ा है। इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 3.5 स्टार ट्रस्ट वर्दी एडजस्टर रेटिंग इसको मिली है। अच्छा एक चीज़ इसमें और आपको पता लग रही है वो ये है कि ये जो एनालिसिस है, कई बार ऐसा होता है कि इस वेबसाइट को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और सेम प्रोडक्ट्स पे यूज़ करते हैं, तो जो कि जो भी पुराना यूज़र रिव्यू होता है ये उसको उठा के फटाफट दिखा देता है, टू प्रोवाइड अ रिव्यू एट अ फास्टर रेट, एनालिसिस एट अ फास्टर रेट। आपको ये ऑप्शन दिखा भी रहा है कि ये थोड़ा सा पुराना है, अगर आप चाहो तो दोबारा कर सकते हो। तो अगर आपको लेटेस्ट इसका एनालिसिस जानना है, कुछ भी नहीं, बस री एनालाइज पे क्लिक करो इसी वेबसाइट पे, और ये एनालिसिस चल रहा है, देखते हैं कंप्लीट होते ही हमको इसका लेटेस्ट एनालिसिस मिल जाएगा कि आज की डेट में जितने भी इस पे यूजर रिव्यूज आए हैं उसमें ये प्रोडक्ट कैसा है। 99 ऑलमोस्ट कंप्लीट, फाइनलाइजिंग रिजल्ट्स, ओके या सो ऑलमोस्ट सेम ही है, 17,107 रिव्यूज, तो हो सकता है कुछ लोगों ने डिलीट कर दी हूँ। 17,107 रिव्यूज, यूजर रिव्यूज इस प्रोडक्ट के अब तक लोगों ने अमेजोन की वेबसाइट पे डाले हैं 29 सितंबर तक, और कैटेगरीज की वही है, बी कैटेगरी 80%। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको एक ट्रस्ट मिल जाता है, ठीक है, आप फेथ कर सकते हो कि हाँ भाई ये एक डायरेक्शनल आपको एक एनालिसिस मिल जाता है जिसके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट के ऊपर जितने भी यूजर रिव्यूज हैं वो ट्रस्ट वर्दी हैं या नहीं, इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं या नहीं। तो ये देखा, इस तरीके से आप किसी फेक रिव्यू को डाल के, किसी भी प्रोडक्ट का लिंक डाल के, इसमें जितने भी रिव्यूज़ हैं ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगी सारे के सारे यूज़र रिव्यूज़ इसकी रेटिंग को, और फिर आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताएगी कि क्या चांसेस हैं। 100% करेक्ट ये वेबसाइट नहीं हो सकती है, इससे आपको एक डायरेक्शनल हेल्प मिलती है, एक डायरेक्शनल आपको एक डेटा मिल जाएगा, एक एनालिसिस मिल जाएगा कि भैया ओवरऑल इस प्रोडक्ट की पिक्चर क्या है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसके रिव्यूज़ फेक हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसके रिव्यूज़ असली हो सकते हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसके बारे में जितने भी यूज़र रिव्यूज़ हैं कि वो जेन्युइन हैं या नहीं, आपको एक 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 प्रोबेबिलिटी मिलती है, और इससे आप एक डायरेक्शनल आपको हेल्प मिल रही है आपको अपना परचेज डिसीजन लेने के लिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यूज़र रिव्यूज़ के बारे में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो फिर इसको लाइक भी कर दीजिए वीडियो को और शेयर भी कर दीजिए, इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अब आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।